हेलो फ्रेंड्स, एक और नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। अभी हम है चालुनिया में। पीछे वाला जो गांव आप लोग देख पा रहे हैं वो है चालुनिया। और अभी हम जा रहे हैं काम पे, मतलब अपना घर दुआ छोड़ के बैठ के जला में जा रहे हैं काम में। काम में जाएंगे कोलकाता। ये वाला एरिया आप लोग जो देख पा रहे हैं ये है पंचायत भवन का एरिया, जो कि जालुनिया में पड़ता है हम लोग के इधर पे। और पीछे है बंगाल बॉर्डर। और ये वाला अभी हम लोग झारखंड में है। और इधर का नज़ारा इस तरह से है। सामने एक तो बागान था जिसको काट कोट के पूरा वो जो घेरा आप लोगों को दिखाई दे रहा है वो उगा दिया है। और ये है पंचायत घर। और उसी के सामने टावर लगाया हुआ है। ये टावर किस लिए है, किस काम का है वो तो पता नहीं, लेकिन जब चालू करेगा तो ऑटोमेटिकली पता चलेगा। और पूरा लास्ट तक ब्लॉग में रहिए। हम लोग कैसे जाते हैं, हम लोगों के एरिया में रास्ता किस तरह से है वो देखने को मिलेगा। और हम लोगों के रास्ते इधर पे गांव सब हम लोगों का किस तरह से होता है छोटनागपुर एरिया में वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो यार यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं सुरसा हम लोगों का चास किया गया है, लेकिन हम लोगों का नहीं है। ठीक है, हम लोगों के एरिया में इधर हम लोगों के गाँव के इधर पर भी इस तरह से है, जो कि इधर से जो तेल निकलेगा वो पूरा नेचुरल तेल होगा। और इस साइड आप लोग देख पा रहे हैं थोड़ा बहुत बागान है। ये सरकारी बागान नहीं है, लेकिन यहाँ पे पूरा प्रोटेक्ट करके रखा है कि यहाँ का पेड़ पौधा कोई काट नहीं सकता, काटेगा तो उसको वहाँ पर पूरा गला से काट देगा। झाड़ी सब उतना रहेगा नहीं, ये सब पूरा खत्म हो जाएगा। और सामने थोड़ा बहुत बांस बागान और उसी के बीच में घर है, ये भी इंदिरा आवास। इधर पर गरीब आदमी रहता है, तो ये बागान जो देख पा रहे हैं इसको भी बेचा गया है पैसा के चलते। यार अभी जिस गांव से गुजर रहा है ये है केंद्र नागरी का मुगापाड़ा, इसको मुगापाड़ा कहा जाता है। और बंगाली पाड़ा आगे है, तो हम लोग बंगाली पाड़ा में जाएंगे नहीं। और इधर से होके हम लोग मतलब हम लोगों का रास्ता इधर से होके होता है। और जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं ये फेरी वाला इधर पर आया हुआ है अपना व्यवसाय करने। और फेरी वाला मोटा मोटी इधर पर चलता है ठीक ठाक। और आगे बंगाली पाड़ा है, जो कि वो भी बहुत बड़ा है। तो ये केंद्र नागरी जो एरिया है ये बहुत बड़ा है। और यहाँ पे मेला भी होता है, जो कि काली पूजा में वो हम इधर कवर नहीं कर पाया था, क्या करेंगे काम में थे। ये जो आप लोग देख पा रहे हैं ये केंद्र नागरी के बंगाली पाड़ा से होते हुए हम लोग जा रहे हैं आगे। और वो आगे जो गांव है वो हमारा मामा घर है, वहीं पे रहते थे। और अभी वहाँ पे नहीं रह रहे हैं। और इधर का एरिया थोड़ा बहुत हम लोग का इधर ऐसा है जो कि पोगिया टाइप है। इधर पे अभी चास पास नहीं है। सामने थोड़ा बहुत इधर उधर रहा है एरिया, छोक छाक के घर है। यहाँ पे एक ठो घर है, आगे एक ठो घर है। तो हम लोगों के गांव के इधर में ऐसे ही घर होता है। और रास्ते का अवस्था देख पा रहे हो, यहाँ से ना स्पीड में जा सकते हो ना स्पीड में आ सकते हो। और इधर पे मुर्गी पालन किया जाता है हम लोगों के इधर पे। और मुर्गी के साथ साथ भेड़ बकरी गाय भैंस ये सब भी, ये सब बड़ी काम का है। डेटा की तरफ रास्ता जाता है। और यहाँ पे पिछले वीडियो में मैंने दिखाया था, जो कि बच्चे लोग फ्री फायर खेल रहा था। और हम अपने मामा घर के करीब आ चुके हैं, लेकिन आज मामा घर में घुसने नहीं वाले हैं। तो यार फाइनली 5 किलोमीटर का सफ़र हो चुका है और शांतिनगर पहुँच चुके हैं। अभी शांतिनगर छोड़ के जा रहे हैं ठीक है। यही वाला है वो शांतिनगर, यहाँ पे हम लोगों का लोकल मार्केट लगता है। और यहाँ पे हर वो सामान मिल जाता है जो हम लोगों को चाहिए होता है। तो सामने ये वाला जो आप लोग देख पा रहे हैं ये है स्कूल, ये शांतिनगर लोहा मिला का स्कूल है, जोराम लोहा मिला का स्कूल है, मतलब पीछे जोराम। और ये जो एरिया आप लोग देख पा रहे हैं ये है लोहा मिला क्यों भाई। और यहाँ पर भी थोड़ा बहुत रईस आदमी रहता है जैसे